तो सिटिंग पोस्चर यहाँ पे कुछ ऐसा आपको मिलता है, बिल्कुल ही आप अपराइट बैठते हैं, तो बैठने के बाद कंफर्ट यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। हीरो की यहाँ बैजिंग दिख जाएगी और मीटर कंसोल का व्यू कुछ ऐसा आता है। तो माइलेज फ्रेंड्स आपको बाइक से काफ़ी अच्छा मिल जाएगा यहाँ पे 55 के अप्रॉक्स का ये इजीली ऑफर कर देगी। बाकी और ज़्यादा भी ये प्रोवाइड कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप राइड किस हिसाब से कर रहे हैं, आपने बाइक को कितना मेंटेन रखा है। और यहाँ पे अभी तक तो फ्रेंड्स बाइक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू हीरो की ग्लैमर का यहाँ पे बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल, जो कि फ्रेंड्स E20 अपडेट्स के साथ आ चुका है। और अभी फ्रेंड्स आपको हम देने वाले हैं इस बाइक का यहाँ पे एक वॉक राउंड, कंपनी क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, क्या ये बाइक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है या फिर नहीं है, क्या कुछ ऑन रोड प्राइस है। तो अगर आप भी 125 सीसी सेगमेंट में एक न्यू बाइक परचेस करने का प्लान बना रहे थे तो आप आज के इस वीडियो को देख ले, आपकी सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स ये जो कलर ऑप्शन है यहाँ पे ब्लैक एंड रेड वाले ग्राफिक्स में प्रेजेंट है, और अभी फ्रेंड्स ये जो कलर है काफ़ी यहाँ पे प्रीमियम मिल रहा है, बिल्कुल ही न्यू लोगो आपको मिलता है ग्लैमर का। और करंटली जो इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है वो फ्रेंड्स जा रहा है यहाँ पे 97,700 के अप्रॉक्स में। तो अभी आपको हम इसका मीटर दिखा देते हैं। यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड करती है फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल, जो कि कुछ टाइप से यहाँ पे फ्रेंड्स स्टार्ट होता है। कंपनी यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर प्रोवाइड कर रही है, इंजन माल फंक्शन इंडिकेटर प्रोवाइड कर रही है, न्यूट्रल इंडिकेटर है, यहाँ पे लो फ्यूल इंडिकेटर आपको मिलता है। और आप यहाँ से फ्रेंड्स इसका जो कंप्लीट लुक्स है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मीटर कंसोल एक फ्रेंड्स काफ़ी यहाँ पे अच्छा कंपनी ने प्रोवाइड किया है। और अगर आप फ्रेंड्स डिज़ाइन वाइज देखते हैं तो ये ब्लू कलर की बैकलिट लाइट के साथ यहाँ पे आ जाता है, तो डिज़ाइन में फ्रेंड्स आपको कहीं से भी कमी नहीं लगने वाली है इसके मीटर में। बाकी ये आता है कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको यहाँ मिल जाता है, USB चार्जिंग कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है एक, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आता है एक आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के सिस्टम के साथ, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अपने फ़ोन को चार्ज लगा पाएंगे। मीटर यहाँ पे फुल स्वाइप मारकर स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आपको i3s का एक स्विच कंपनी प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट यहाँ आपको मिल जाता है। यहाँ पे पास, हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर्स और हॉर्न, हॉर्न आप सुन सकते हैं बाइक का। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स ग्लैमर की जो बैजिंग है दोनों साइड से देखने को मिलती है, 3D लोगो है E20 की, यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। और अगर आप बाइक के यहाँ पे एग्जॉस्ट नोट को सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं, तो कुछ इस टाइप का फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो इसका एग्जॉस्ट है वो मिल जाता है। तो एग्जॉस्ट यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि थोड़ा मतलब माइल्ड टाइप का ही है, कोई ज़्यादा आपको यहाँ पे बेस नहीं मिलता है। बाकी अगर आप बैक से इसके डिज़ाइन को देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीमियम कंपोनेंट्स का यूज़ किया गया है, क्रोम वाले यहाँ पे एक्सेंट्स आपको मिल रहे हैं। और अभी फ्रेंड्स यहाँ पे बारिश हो चुकी है, आप देख सकते हैं बाइक भी यहाँ पे हमारी जो है वो भींग चुकी है। बट अगर आप ओवरऑल में इसके लुक्स को देखते हैं तो लुक्स वाइज यहाँ पे आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी, बिल्कुल ही न्यू ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको किक स्टार्ट कंपनी प्रोवाइड कर दे रही है। और बाकी अगर आप टायर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रियर में मिलता है 100 सेक्शन का टायर, और कंपनी फ्रंट में प्रोवाइड करती है 80 सेक्शन का टायर। 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स पर ये माउंट है, और अलॉय व्हील्स यहाँ पे प्रीमियम डिज़ाइन में आपको मिलता है। सस्पेंशन जो है वो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको न्यू डिज़ाइन से मिल रहा है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स दिख रहा होगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाता है। प्रोग्राम डिफाई की आपको बैजिंग मिल जाती है, और बाइक फ्रेंड्स यहाँ से देखने में कुछ ऐसी लग रही है। फ्रंट हेड के अगर आप डिज़ाइन को देखते हैं तो बाइक यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम आपको लगने वाली है, यहाँ पे हीरो की बैजिंग मिलेगी। और ये यहाँ पे ग्राफिक्स जो आपको मिल रहा है ये बिल्कुल ही न्यू है, रेड कलर से आपको ग्राफिक्स यहाँ कंपनी प्रोवाइड कर दे रही है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे कंप्लीट लुक्स आपको मिलता है बाइक का टॉप से। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि ये बाइक आपको यहाँ पे कैसी लगी है। बाकी फ्रंट का जो फेंडर है वो आपको यहाँ पे बॉडी कलर में ही कंपनी प्रोवाइड करती है। और अगर आप फ्रेंड्स इसके सीट को देखते हैं तो सीट का जो लेंथ है वो यहाँ पे अच्छा मिलता है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, और राइडिंग के टाइम पे बाइक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। अभी फ्रेंड्स हम राइड करके आए हैं और बाइक ने यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस और कंफर्ट डिलीवर किया है। टेल लाइट्स अगर आप देखते हैं तो आपको एच शेप वाले यहाँ पे टेल लाइट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे कंपनी आपको इंडिकेटर्स प्रोवाइड करती है बल्ब में। तो कुछ ऐसा यहाँ पे कंप्लीट लुक्स जो है वो आता है बाइक का। अगर आप रेयर के ब्रेक को देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, और ये फ्रेंड्स इसका ड्रम ब्रेक वाला मॉडल है, अभी तक डिस्क ब्रेक में बाइक नहीं आई है, जैसे ही आएगी वो भी आपको हम दिखा देंगे। बाकी अगर आप फ्यूल फिलिंग ऑप्शन देखते हैं तो सेंटर में दिया गया है, इस साइड से आपको मिलता है 5-speed गियरबॉक्स का सेटअप। यहाँ पे कंपनी साड़ी गार्ड लेडीज़ फुटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, और ये आता है कवर्ड चेन सिस्टम के साथ। अगर हम बैठने के बाद कंफर्ट की बात करते हैं तो अभी हम आपको बैठ के दिखाते हैं। तो सिटिंग पोस्चर यहाँ पे कुछ ऐसा आपको मिलता है, बिल्कुल ही आप अपराइट बैठते हैं तो बैठने के बाद कंफर्ट यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। हीरो की यहाँ बैजिंग दिख जाएगी और मीटर कंसोल का व्यू कुछ ऐसा आता है। तो अगर आप ओवरऑल में यहाँ पे देखते हैं तो इस पर जो फिट एंड फिनिशिंग की क्वालिटी है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी रखी गई है, और हैंडल बार्स भी यहाँ पे जो पोजीशन है वो थोड़ा सा चेंज है, जिससे कि आपको और ज़्यादा यहाँ पे कंफर्ट मिल पाए। तो सिटिंग राइडिंग के लिए आप फ्रेंड्स अगर आप सिटी राइडिंग के लिए एक न्यू बाइक परचेस करने का सोच रहे थे 125 सीसी सेगमेंट में तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं मेरे पैर कुछ इस तरह से आ रहे हैं, मेरी जो हाइट है वो 5 feet 5 inch के अप्रॉक्स में है, तो आपकी हाइट अगर इसके अप्रॉक्स में है तो आप आइडिया ले सकते हैं। बाकी हैंडल बार्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे ढंग से सेट किया गया है,
एक बार हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट आपको मिल रहा है। बाइक को हम पुट करते हैं फर्स्ट गियर में। और अभी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स ओवरऑल में बाइक के कंफर्ट के बारे में, तो कंफर्ट यहाँ पे नो डाउट आपको अच्छा मिलता है। रियल टाइम एवरेज भी ये यहाँ पे मीटर कंसोल इसका शो करता है, तो वो भी एक यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। बाकी आप फ्रेंड्स कमेंट करके बताएं कि आपको ये बाइक कैसी लगी है। अभी फ़िलहाल में आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज हमें शो कर रहा है 15 का, और जैसे जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे राइड करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे आपको जो रियल टाइम एवरेज है वो यहाँ पे बढ़ते जाएगा या फिर घटते जाएगा जिस हिसाब से भी आप यहाँ पे राइड करते हैं। 40 यहाँ पे अभी फ्रेंड्स आप ये शो कर रहा है, 45 हो चुका है। तो जिस हिसाब से आप थ्रॉटल को जो है वो फ्रेंड्स कम ज़्यादा करेंगे उसी हिसाब से ये आपको माइलेज ऑफर करेगा। 51 अभी शो कर रहा है और ये है फ्रेंड्स यहाँ पे 55 का, 66 यहाँ पे हो गया है। तो जिस हिसाब से फ्रेंड्स आप यहाँ पे थ्रॉटल को पुल करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे माइलेज देखने को मिलेगा। तो माइलेज फ्रेंड्स आपको बाइक से काफ़ी अच्छा मिल जाएगा यहाँ पे 55 के अप्रॉक्स का ये इजीली ऑफर कर देगी। बाकी और ज़्यादा भी ये प्रोवाइड कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप राइड किस हिसाब से कर रहे हैं, आपने बाइक को कितना मेंटेन रखा है। और यहाँ पे अभी तक तो फ्रेंड्स बाइक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिटी कंडीशंस में, तो यहाँ पे बाइक नो डाउट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन गई है। काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि ओल्ड मॉडल वाली जो ग्लैमर है वो कब तक आ जाएगी, तो यहाँ पे कंपनी ने जो है वो प्रोवाइड कर दिया है फाइनली स्टॉक्स। और अभी यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो है वो बाइक को थोड़ा सा आपको पुल करके दिखा देते हैं रोड पर, ताकि एक आपको यहाँ पे आइडिया लग जाए। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है बाइक को थोड़ा सा पुल करके आपको दिखा दिया है कि बाइक कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। तो मैं होप करता हूँ फ्रेंड्स आपकी जो भी यहाँ पे डाउट्स होगी वो क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।